मोटर, स्लिपरिंग मोटर जो है हम उस मोटर को कहते हैं जिसके रोटर से बाहर कनेक्शन आते हैं, वाउंड रोटर मोटर कहलाती है। ये तीन तार जो है रोटर से बाहर आते हैं स्लिपरिंग पर, ये स्लिपरिंग है। रोटर जब घूमता है तो यहाँ से कनेक्शन बाहर लेते हैं, कार्बन बूस्ट लगे हुए हैं, और ये कनेक्शन जो है रोटर के यहाँ आ जाते हैं। इसके टर्मिनल पर नौ कनेक्शन होते हैं। इसके स्टेटर से जो है थ्री फेज की वाइंडिंग के तीन वाइंडिंग के छह टर्मिनल आते हैं, जिनको हम स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करते हैं, तो ये परमानेंट डेल्टा में कनेक्शन कर देते हैं। और स्लिपरिंग से तीन तार जो है वो यहाँ आते हैं। पैनल में हम इनके कनेक्शन इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर इनपुट आएगी 415 वोल्ट एसी विथ न्यूट्रल, डीओएल स्टार्टर से जो है वो डायरेक्ट थ्री फेज आउटपुट आएंगे जो मोटर के स्टेटर में देंगे, और स्टेटर से जो रोटर में ईएमएफ पैदा होगा, उनका ईएमएफ का रास्ता कंप्लीट करने के लिए, धारा प्रवाहित करने के लिए रोटर के जो आउटपुट के तार हैं वो रेजिस्टेंस के द्वारा रास्ता पूरा करेंगे। ये वाउंड रोटर कहलाता है। रोटर में वाइंडिंग करके और तीन तार स्लिपरिंग पर बाहर ले आते हैं, और रोटर के जो कनेक्शन है वो स्लिपरिंग से होते हुए रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट करते हैं, और स्टेटर को डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्शन करके तीन फेज दे देते हैं। ये जो है स्लिपरिंग से तीन तार है जो पर यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस के द्वारा रास्ता कंप्लीट कर रहे हैं। इस मोटर को हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर स्पीड बदलनी हो या हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो है मुख्य आवश्यकता है। इसका रोटर रेजिस्टेंस हाई रखते हैं शुरू में, तो उसके कारण स्टार्टिंग करंट कम रहता है, और रोटर में रेजिस्टेंस लगाने के कारण उसका पावर फैक्टर जो है वो ज़्यादा रहता है, और इसके कारण इसका जो है टॉर्क भी अच्छा मिलता है। एप्लीकेशन, इसको हम कंप्रेसर, कन्वेयर, क्रेन्स, होस्ट, स्टील मिल एंड प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में काम में लेते हैं। इसकी टॉर्क की अगर हम विशेषताएं देखें तो ये उत्पन्न हुआ टॉर्क होगा मोटर की स्पीड है, और रोटर में जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो है। यहाँ पर जो है हाई रेजिस्टेंस R6 है और लो रेजिस्टेंस R1 है। R1 से ज़्यादा R2 है, फिर R3 का मान ज़्यादा रेजिस्टेंस है, फिर R4 ज़्यादा का है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कम रेजिस्टेंस जब हमने रोटर में लगाया तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम है। R2 जब बढ़ गया तो यहाँ R2 की जो ग्राफ हम देख रहे हैं उसमें टॉर्क बढ़ गया। यहाँ इस तरह से हम R6 जो है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो R1, 2, 3, 4, 5 और 6 में हम देख रहे हैं कि टॉर्क सबसे ज़्यादा है। अब हम इसको प्रैक्टिकल चला करके देखते हैं। ये इसका जो है खुला हुआ व्यू है, ये रोटर है, एसी के वोल्टेज हैं ये मेंस के, और मोटर के द्वारा लिया गया करंट है ये एसी एम्पियर मीटर। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर रोटर स्टार्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ये मोटर है, करंट अभी जीरो है, 7.98 एम्पियर करंट जा रहा है, 8.2। इसके बाद में जो है जब हमने सारे रेजिस्टेंस बाईपास कर देंगे, स्पीड बढ़ जाती है, तो इसका करंट ये है। जब इसमें से रेजिस्टेंस बाईपास किए जाते हैं तो कॉन्टैक्टर की आवाज़ आती है, उसे हम अब सुन सकते हैं। से कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने की आवाज आएगी। दोबारा देख लेते हैं, सात पॉइंट नौ आठ आठ एम्पियर करंट जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ से जो है स्लिपरिंग मोटर का हमने अध्ययन।
के जाजा में कर रहे हो।